हेलो एवरीवन जैसे हमने मार्केटिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने पिछली वीडियोस में मीनिंग स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ लिया है और आज हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग देखेंगे और अगली वीडियोस में फोर पीस ऑफ मार्केटिंग माइक्रो एंड माइक्रो एंड और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है डेफिनेशन के साथ देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है बताता हूँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिफर्स टू ए जनरल थाउट और आइडिया विच इज़ यूज बाई फीम्स टू अफेक्टिवली एंड एफिशेंटली अचीव देयर गोल्स थ्रो आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिसफेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक टेक्निक है जो हर कंपनी यूज करती है अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए और टारगेट्स टारगेट्स क्या रहते हैं उनके मैक्सिमम सेल्स करने के लिए और सेल करते हुए कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स सेटिसफाई होना वैसा सेल करना यही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ईजी है मार्किटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स अब कंपनी एक टेक्निक यूज़ करती है सेल्स बढ़ाने के लिए खाता हम ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दो तरह में बटे हुए हैं एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न और मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेडिशनल मीन्स पहले की मार्केटिंग पहले क्या क्या यूज़ होता था वो देखेंगे हम मार्केटिंग में कौन पहले के कॉन्सेप्ट -क्या -क्या, क्या क्या थे और आज मॉडर्न ज़माने में के कॉन्प्ट क्या, क्या क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इसको हम सेलर ओरिएंटेड भी बोलते हैं ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीनस क्या है प्रोड्यूसर्स जो सेलर जो खरीदने आता है उनके पास जैसे मिडिल मैन होल सेलर या रिटेलर आते थे ना उनके पास सिर्फ उनके नीड्स के हिसाब से वो गुड्स बनाते थे ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता था सेलर ओरिएंटेड जो होल सेलर रिटेलर आते हैं ना कंपनी को सामान खरीदने के लिए जो गो भी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तो उनके हिसाब से उनके नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते थे ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चार कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट आया एक्सचेंज कॉन्सेप्ट उसके बाद आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट ये चारों हम डिटेल में देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से एक्सचेंज कॉन्सेप्ट क्या है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट अंडर एक्सचेंज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स वॉज सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केटिंग एक्सचेंज में उतना ख़ास कुछ नहीं है एक्सचेंज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जस्ट प्रोड्यूसर गुड बना के कंज्यूमर्स को देता है उस वो रिटर्न में कैश देता है या कोई अदर अदर गुड्स देता है यही एक्सचेंज मार्केटिंग है ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िक्ट नहीं है बस इतना ही प्रोड्यूसर गुड बना के कंज्यूमर को देता है कंज्यूमर कंज्यूमर रिटर्न में कैश देता है या दूसरे और गुड्स देता है यही एक्सचेंज मार्केटिंग है सेकेंड है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है देखेंगे

कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रीफर करेगा जो मार्केट में ज़्यादा है और कम रेट में है यही है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चलिए थर्ड देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कंज्यूमर विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू गुड प्रोडक्ट डट आर रीजनेबल प्राइस एंड देर इज नो नीड फॉर स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री सेल्स एंड प्रॉफिट और इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है कंज्यूमर अब इसमें इसमें कंज्यूमर क्या प्रीफर करता है कंज्यूमर गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट भी होना और कम रेट में होना ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में था कंज्यूमर जो कंज्यूमर होता है उसे इस कॉन्सेप्ट में क्या 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 ट्रेंड चला इस कॉन्सेप्ट में कि कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट भी होना और कम रेट में भी होना अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं तो आपके मार्केटिंग को कुछ ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं करना होगा कोई सेल्स और प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं तो आपका ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगा यही प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है और चलिए फोर्थ कॉन्सेप्ट फोर्थ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं वह सेलिंग कॉन्सेप्ट कंज्यूमर विल नॉर्मली नॉट बाय इनफ ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट अनलस दे आर अप्रोच्ड विद सस्टेंशियल सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट बोल के सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कंज्यूमर्स चाहे प्रोडक्ट कितने भी मार्केट uh, में है, चाहे प्रोडक्ट कितने भी ज़्यादा होंगे या कितने भी अच्छे होंगे कितने भी कम प्राइस में होंगे इस अब इस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर्स क्या कर रहे थे कि ऐसा प्रोडक्ट ही खरीद रहे थे जो जो प्रोडक्ट का मार्केट हुआ सो यानी एडवर्टाइजमेंट हुआ सो वही प्रोडक्ट अब ले रहे थे प्रिफर कर रहे थे सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट चार कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके में समझाए हों फिर एक बार ये चारों कॉन्सेप्ट देखते हैं ईजी वे में चलिए फिर से देखते हैं ये चारों कॉन्सेप्ट ईजी वे में फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर क्या कर रहे थे जो प्रोड्यूसर गुड दे रहा था उस गुड्स लेके रिटर्न में कैश दे रहे थे या तो फिर कोई अलग प्रोडक्ट दे रहे थे सेकेंड है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर ऐसे गुड्स को प्रीफर कर रहा था जो गुड्स ज़्यादा है मार्केट में और कम प्राइस में है ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हो रहा था और थर्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहा था जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है और कम रेट में है ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हो रहा था और सेलिंग कॉन्सर्ट में कॉन्सर्प्ट में कंज्यूमर कंज्यूमर uh, वो चाहे प्रोडक्ट कितना भी कितने भी ज़्यादा हो मार्केट में या तो फिर कितने भी uh, कितना भी अच्छे क्वालिटी का हो या कितने भी कम रेट में हो जब तक प्रोडक्ट कोई एडवर्टाइजमेंट्स सेलिंग प्रमोशन मेथड यूज़ नहीं हो रहा था उस प्रोडक्ट में तब तक वो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं ख़रीद रहा था ये होगा चारों ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अब आगे देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या है चलिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो मॉडर्न मार्केटिंग है ये मॉडर्न मार्केटिंग को और एक नाम है कंज्यूमर ओरिएंटेड बोल के अब इसमें प्रोड्यूसर क्या करता है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोड्यूसर मिडल्स मैंस का नीड्स एंड वांट्स देख के प्रोडक्ट बनाता था पर इसमें मॉडर्न मार्केटिंग में जो है कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स देख के प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है इसीलिए कंज्यूमर ओरिएंटेड बोल के बोलते हैं मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग को अब मॉडर्न मार्केटिंग में फिर से तीन कॉन्सेप्ट आए मॉडर्न मार्केटिंग में जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और जो आज आज मार्केटिंग चल रही है वो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज की मार्केट चल रही है चलिए हम देखते हैं तीनों डिटेल में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ फर्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द मेन टास्क ऑफ द कंपनी इज टू डिटरमाइन द नीड्स वॉन्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ चूजन सेट ऑफ कस्टमर्स एंड अडोप्ट द होल कंपनी टू डिलीवर सेटिसफैक्शन मोर एफेक्टिवली एंड एफिशियटली देन इट्स कॉम्पिटिटर्स इसमें क्या होता है मेन टास्क क्या होता है कंपनी का वो एक कस्ट कस्टमर्स को कस्टमर चूज़ कर लेती है हमें कौसे कस्टमर्स को, को टारगेट करना है वो चूज़ कर लेती है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है फॉर एग्जाम्पल ले लो अब कोई कार है कार का एग्जाम्पल ले लो जैसे स्पोर्ट्स कार है स्पोर्ट्स कार सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही अच्छी दिखेगी और स्पोर्ट्स पर्सन ही खरीदेगा वो कार को ऐसे ही इस मार्केट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन टास्क है वही स्पोर्ट्स पर्सन को टारगेट करना वैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन के स्पोर्ट्स पर्सन कैसा कौन सी कार होना वो देख के उनके नीड्स अंडरस्टैंड करके वो वैसे कार बनाना यही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग है और सेकेंड है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चलिए ये देखते हैं द मेन टास्क ऑफ द कंपनी इज़ टू जनरेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग रन कंज्यूमर एंड पब्लिक वेलफेयर एज द सेटिसफाइंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका मेन ये कॉन्सेप्ट का मेन टास्क है कि कंज्यूमर्स का सेटिसफेक्शन होना और उसी के साथ कंज्यूमर जो लॉन्ग रन तक चलना मतलब आगे भी हमारे से आगे परचेज करना फूड्स और पब्लिक वेलफेयर भी होना ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जितना ही ये कॉन्सेप्ट में कि कंज्यूमर्स की नीड सेटिसफाई होना और लॉन्ग रन कंज्यूमर होना और पब्लिक वेलफेयर भी होना ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ये कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखता है इस कॉन्सेप्ट में और लास्ट है और जो अब चल रहा है सो कॉन्सेप्ट वह है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स इट बिलीव्स एवरीथिंग मैटर्स एंड सजेस्टेड मार्केटिंग मस्ट बी लुक फ्रॉम ब्रॉड एंड इंटीग्रेटेड प्रोस्पेक्टिव अब इसमें क्या है ये मार्केटिंग बेस करता है डेवलपमेंट्स डिज़ाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम को बहुत हेल्प करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए और ये सोचता है कि हर चीज़ मैटर करेगा हर चीज़ मार्केटिंग में जो जो इस्तेमाल होती है बेचने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल करेगा मैटर करेगा अब जैसे कोसी कोसी चीज़ फर्स्ट आती है रिलेशनशिप मार्केटिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग में सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स रिलोजिक मार्केटिंग यह है कि रिलेशनशिप uh, मार्केटिंग जो भी रिलेशनशिप हमारे सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स इन सबको भी फ़ायदा होना मार्केटिंग की वजह से सेकेंड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोडक्ट चैनल इसमें प्रोडक्ट अच्छा भी रहेगा और ज़्यादा भी रहेगा और कम प्राइस में भी रहेगा इंटरनल मार्केटिंग एम्प्लॉइज इंटरनल मार्केटिंग मतलब इम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होना ऐसी मार्केटिंग होना कि एम्प्लॉज़ को भी कंपनी uh, के एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं गवर्नमेंट सोसाइटी अब मतलब ऐसी uh, मार्केटिंग करना इस मार्केटिंग बोलता है कि हॉलस्टिक मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग करना कि हमने सोसाइटी को फ़ायदा हो सोसाइटी को फ़ायदा हो जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना तो कुछ सोसाइटी को फायदा होता है ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना तो सोसाइटी को हम था ऐसा प्रोडक्ट ये होलास्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं बोलता कि वैसा प्रोडक्ट बनाओ बोल के होलास्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ईजी है कि हर एक को फ़ायदा होना जैसे कस्टमर्स को सप्लायर्स को प्रोडक्ट अच्छा रहना एम्प्लॉज को फायदा होना सोसाइटी को फायदा होना ये सब मैटर करता है होलास्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फिर भी हम तीनों एक साथ देख लेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट तीनों देखेंगे फर्स्ट मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चूजन सेट ऑफ़ कस्टमर्स के नीड सेटिस्फाई करना ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है और सेकंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि कंज्यूमर्स के नीड सेटिस्फाई होना और वो लॉन्ग रन कंज्यूमर हो जाना हमारे कंपनी का और पब्लिक वेलफेयर होना ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है और थर्ड बोलता है होलास्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर चीज़ को फ़ायदा होना अब जैसे कस्टमर्स को फ़ायदा होना और एम्प्लॉयज को फ़ायदा होना और प्रोडक्ट भी अच्छा रहना और गवर्नमेंट को सोसाइटी को फायदा होना ही होलास्टिक मार्केटिंग बोलता है यही है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थैंक यू